subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार। कर्नाटका के गवर्नर और मैसूर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री वजूभाई वाला जी, कर्नाटका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सी एन अश्वस्थ नारायण जी, मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी हेमंत कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को मैसूर दशहरा नाड़ हब्बा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कुछ समय पहले मैं तस्वीरें देख रहा था कि इस बार कोरोना के खतरे के कारण भले ही अनेक बंदिशें हो, लेकिन उत्सव की उमंग पहले जितनी ही है। हालांकि इस उमंग में कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश ने रुकावट डालने की कोशिश की है। सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। केंद्र सरकार और कर्नाटका सरकार मिलकर राहत की हर संभव कोशिश कर रही है। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। वैसे तो मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे अवसरों पर अपने यंग फ्रेंड्स के उनसे आमने सामने फेस टू फेस मुलाकात कर सकूं, और मैसूर आने वाले मैसूर यूनिवर्सिटी के गौरवशाली विरासत 100वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा करने बनने की तो बात मैं समझता हूं कुछ और ही होती। लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम रियली नहीं, वर्चुअली जुड़ रहे हैं। घटिकोत्सवदा स्मरणीय समारंभद संदर्भदल्ली ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಥಿಯೋ, मैसूर यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था और भविष्य के भारत के एस्पिरेशंस और कैपेबिलिटीज का एक प्रमुख केंद्र है। इस यूनिवर्सिटी ने राजर्षि नालवाड़ी कृष्णराज वड़ियार और एम विश्वेश्वरैया जी के विजन और संकल्पों को साकार किया है। मेरे लिए सुखद संयोग है कि आज से ठीक 102 साल पहले आज के ही दिन राजर्षि नालवाड़ी कृष्णराज वड़ियार ने मैसूर यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन को संबोधित किया था। तब से लेकर आज तक रत्नगर्भा प्रांगण, इस रत्नगर्भा प्रांगण ने ऐसे अनेक साथियों को ऐसे ही कार्यक्रम में दीक्षा लेते हुए देखा है, जिनका राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है।
भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने इस शिक्षा संस्थान में अनेकों विद्यार्थियों को नई प्रेरणा दी है। ऐसे में आप सभी पर, आपके परिवार के साथ साथ हम सभी का विश्वास भी अधिक है और साथ साथ उम्मीदें भी अधिक है। आज आपकी यूनिवर्सिटी, आपके प्रोफेसर्स, टीचर्स आपको डिग्री के साथ साथ देश और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के दो अहम पड़ाव माने जाते हैं। ये हजारों वर्षों से हमारे यहां एक परंपरा रही है। जब हम दीक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का ही अवसर नहीं है। आज का ये दिन जीवन के अगले पड़ाव के लिए नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। अब आप एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर रियल लाइफ यूनिवर्सिटी के विराट कैंपस में जा रहे हैं। एक ऐसा कैंपस होगा जहां जो नॉलेज आपने हासिल की है उसकी एप्लीकेबिलिटी काम आएगी। साथियों, महान कन्नड़ लेखक और विचारक गोरूरु रामस्वामी अय्यंगार जी ने कहा है, शिक्षण वे जीवनद वेलकु, यानी एजुकेशन जीवन के मुश्किल रास्तों में रोशनी दिखाने वाला माध्यम है। आज हमारा देश जब परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है तब उनकी ये बात बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। बीते 5-6 साल ये निरंतर प्रयास हुआ है कि हमारी शिक्षा, भारत का एजुकेशन सिस्टम छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के बीच आगे बढ़ने में भी और मदद करें। विशेष तौर पर हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। साथियों, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटीज थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। 2014 तक भारत में 9 IIITs थी। इसके बाद के 5 सालों में 16 IIIT बनाई गई है। बीते 5-6 साल में 7 नए IIM स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 IIM ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 AIIMS देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद
इससे दो गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। साथियों, बीते 5-6 सालों से हायर एजुकेशन में जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास सिर्फ नए इंस्टीट्यूशन खोलने तक ही सीमित नहीं है। इन संस्थाओं में गवर्नेंस में रिफॉर्म से लेकर जेंडर और सोशल पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया गया है। ऐसे संस्थानों को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक फैसले ले सकें। पहले IIM एक्ट के बहुत उसके तहत देश भर के IIMs को ज्यादा अधिकार दिए गए। मेडिकल एजुकेशन में भी ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी, इसे दूर करने पर भी जोर दिया गया। आज देश में मेडिकल एजुकेशन में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया जा चुका है। होम्योपैथी और दूसरी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की पढ़ाई में रिफॉर्म्स के लिए भी दो नए कानून बनाए जा रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में हो रहे रिफॉर्म से देश के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए ज्यादा सीटें मिलनी सुनिश्चित हो रही है। साथियों, राजर्षि नालवाड़ी कृष्णराज वड़ियार जी, उन्होंने अपने पहले कॉन्वोकेशन संबोधन में कहा था, अच्छा होता मैं अपने सामने एक नहीं 10 लेडी ग्रेजुएट्स देख पाता। मैं अपने सामने आज अनेक बेटियों को देख रहा हूं जिन्हें आज डिग्रियां मिल रही हैं। मुझे बताया गया है कि आज यहां डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की एक और पहचान है। आज शिक्षा के हर स्तर पर देश में बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से ज्यादा है। हायर एजुकेशन में भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। 4 साल पहले देश की IIT में बेटियों का एनरोलमेंट जहां सिर्फ 8% था, वो इस वर्ष बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा यानी 20% तक पहुंच चुका है। साथियों, एजुकेशन सेक्टर में ये जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनको नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई दिशा नई मजबूती देने वाली है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री नर्सरी से लेकर PhD तक देश के पूरे एजुकेशन सेटअप में फंडामेंटल चेंजेस लाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है। हमारे देश के सामर्थ्यवान युवाओं को और ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारे युवा तेजी से बदलते नेचर ऑफ जॉब्स के लिए फ्लेक्सिबल हो, एडॉप्टेबल हो। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका भी बहुत ध्यान दिया गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि मैसूरू यूनिवर्सिटी ने इस पॉलिसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, तेजी दिखाई है। मुझे लगता है
कि एनईपी के आधार पर आप मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अब जहां तक आपके सपनों और सामर्थ्य का विस्तार हो उसके मुताबिक आप विषयों का चयन कर सकते हैं। इसमें आप ग्लोबल टेक्नोलॉजी और लोकल कल्चर साथ साथ पढ़ सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोकल चीजों को बढ़ाने में कर सकते हैं। साथियों, हमारे देश में ये जो चौतरफा रिफॉर्म्स हो रहे हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। पहले कुछ फैसले होते भी थे तो वो किसी एक सेक्टर में होते थे और दूसरे सेक्टर छूट जाते थे। बीते 6 सालों में मल्टीपल रिफॉर्म्स हुए हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में रिफॉर्म हुए हैं। अगर एनईपी देश के एजुकेशन सेक्टर का फ्यूचर सुनिश्चित कर रही है तो ये आप जैसे युवा साथियों को भी एम्पावर कर रही है। अगर खेती से जुड़े रिफॉर्म्स किसानों को सशक्त कर रहे हैं तो लेबर रिफॉर्म्स लेबर और इंडस्ट्री दोनों को ग्रोथ, सिक्योरिटी और ट्रस्ट दे रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे हमारा जहां हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार आया है तो वहीं रेरा से हमारे होम बायर्स को सुरक्षा मिली है। देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए अगर जीएसटी लाया गया तो टैक्स पेयर को परेशानी से बचाने के लिए फेसलेस असेसमेंट की सुविधा हाल ही में शुरू की गई है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इससे जहां पहली बार इंसॉल्वेंसी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बना तो एफडीआई रिफॉर्म से हमारे यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। साथियों, आपने बीते 6-7 महीने में ये देखा होगा कि रिफॉर्म्स की गति और दायरा दोनों बढ़ रहा है। खेती हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, एविएशन हो, लेबर हो, ऐसे हर सेक्टर में ग्रोथ के लिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये किया क्यों जा रहा है? या आप जैसे करोड़ों युवाओं के लिए ही किया जा रहा है? इस दशक को भारत का दशक बनाने के लिए किया जा रहा है। ये दशक भारत का तभी होगा जब हम आज अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखेंगे। युवा भारत के जीवन में ये दशक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। साथियों, देश के बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में से एक होने के नाते मैसूर यूनिवर्सिटी को भी हर नई स्थिति के हिसाब से इनोवेट करना होगा। पूर्व कुलपति महान कवि साहित्यकार कुवेंपी जी ने यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस को मान संगोत्री यानी मन का शाश्वत प्रवाह का जो नाम दिया था उससे आपको निरंतर प्रेरणा प्राप्त करनी है। आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जैसे विषयों पर और ज्यादा फोकस करना होगा। यूनिवर्सिटी से ये भी अपेक्षा है कि वो कंटेम्पररी और ग्लोबल इश्यूज के साथ साथ लोकल कल्चर, लोकल आर्ट और हमारे सोशल इश्यूज से जुड़ी रिसर्च को बढ़ावा देने की अपनी परंपरा का और विस्तार करें। साथियों, आज जब इस महान कैंपस से बाहर निकल रहे हैं तो मेरा आपसे एक और आग्रह है। आप में हर एक के पास
जो अपनी ताकत है, अपना सामर्थ्य है, उसके आधार पर एक्सेलेंस अचीव करने की हमेशा कोशिश करें। आपको एक सीमित दायरे में, एक बॉक्स में ही फिट होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जिस बॉक्स में फिट होने की आप कोशिश कर रहे हैं वो बॉक्स आपके लिए बना ही ना हो। अपने लिए समय निकालिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए और जमीन से जुड़ी हर उस चीज का अनुभव लीजिए जो लाइफ आपके सामने रख रही है। इससे आपको अपना आगे का मार्ग चुनने में बहुत मदद मिलेगी। न्यू इंडिया अवसरों की धरती है। कोरोना के इस संकट काल में भी आपने देखा होगा कि कितने ही नए स्टार्टअप्स हमारे नौजवानों ने खोले हैं। ये स्टार्टअप्स कर्नाटका ही नहीं, देश की भी बहुत बड़ी ताकत है। मुझे विश्वास है असीम अवसरों की इस धरती पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी प्रतिभा से देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपका विकास सिर्फ आपका विकास नहीं होगा, देश का विकास होगा। आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। एक बार फिर सभी साथियों को बेहतर भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।